अवसाद या डिप्रेशन ये तनाव का ही एक रूप है। तनाव अर्थात तन पर आया हुआ एक भाव, एक विचार। पहले वो मन पर हावी होता है, फिर उसका शरीर पर उसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं। और यह एक ऐसी समस्या है कि जिसमें आज 50% तो युवा परेशान है और 16 से 17% बच्चे, यानी पढ़ने वाले बच्चे भी छात्र जीवन में इस समस्या से ग्रसित हैं। आप तभी आए दिन पेपर में सुनते हैं कि उसने आत्महत्या कर ली, कोई कूद के या किसी भी तरीके से। तो जब ये अवसाद या तनाव या डिप्रेशन बहुत मेजर हालत में आ जाए तो उसमें व्यक्ति कुछ भी कर लेता है और यह एक बहुत त्रासदी वाली अवस्था है। लेकिन इसमें क्या होता है, मन कमजोर हो जाता है। इसके पहले मैं लक्षण बता दूं, इसके लक्षण में है उदास रहना, चुपचाप रहना, मन का दुखी रहना, कभी कभी कमजोरी महसूस करना, अनिद्रा का शिकार हो जाना, कभी कभी क्रोधित हो जाना, उत्तेजित हो जाना। तो ये तो इसके कुछ लक्षण हैं। और इसका जो कारण है, जीवन शैली में बदलाव, और कई बार ये अनुवांशिक भी होता है, यानी पेरेंट्स को अगर वो ऐसी शिकायत तो बच्चों में भी आती है। काम का दबाव भी एक इसका कारण है। अगर काम का प्रेशर पड़ रहा है और हम कर नहीं पा रहे हैं तो भी व्यक्ति धीरे धीरे अवसाद में चला जाता है। पारिवारिक संबंधों में कुछ दबाव हो, खटास हो, तो उससे भी व्यक्ति अवसाद में चला जाता है। कुछ स्वास्थ्य की गलत आदतें, आप शराब, सिगरेट, हालांकि मन में बुरा लगता है लेकिन हम करते रहते हैं, तो धीरे धीरे व्यक्ति कई बार अवसाद में चला जाता है। और इसका और एक कारण और है, मस्तिष्क में रासायनिक असंतुलन का होना, अर्थात हमारे खुशी वाले हार्मोन नहीं हो पाते हैं और हमको क्रोधित करने वाले, दुखी करने वाले, क्योंकि हार्मोन ही हमारे विचारों को प्रभावित करते हैं। आपसी मतभेद हो तो भी हो जाएगी। और इसके अलावा मन के अनुसार काम का न होना, अगर हमारा काम हमारे मन के मुताबिक नहीं हो तो भी हम बहुत जल्दी तनाव में आ जाते हैं। और ये आदत अगर लगातार बनी रहे तो धीरे धीरे अवसाद या डिप्रेशन का रूप लेती है। आगे निकलने की होड़, ऑफिस में हो या कहीं पर भी, हम एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में अपने आप को तनाव में डाल रहे हैं, जो डिप्रेशन का कारण है। लंबे समय से या जो लोग बीमारी में पड़े हों, कोई ऐसी बीमारी जिसमें वो उठ नहीं पा रहे हो, तो पड़े पड़े वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। और बच्चों को तो खास करके पढ़ाई का प्रेशर है, या माँ बाप जो चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, या उनके मन की इच्छा के विरुद्ध उनको पेरेंट्स की इच्छा के ध्यान रख के करना पड़ता है, तो भी वो धीरे धीरे डिप्रेशन में आ जाते हैं और पढ़ाई से मन हटने लगता है। तो कारण तो बहुत सारे हैं, युवाओं को जॉब मन का नहीं मिलना, या जॉब मिला है तो उसे सेटिस्फाइड न रहना, या ऑफिस का कल्चर उसे अच्छा पसंद न आना। तो ऐसे बहुत से कारण हैं कि जिसकी वजह से व्यक्ति धीरे धीरे एक तनाव लेते हुए अवसाद या डिप्रेशन में चला जाता है। मैंने बोला इसका पहला प्रभाव मन पर आता है, और जब मन पे आता है तो मन पर आया हुआ भाव जो है आपका, ये धीरे धीरे शरीर में परिलक्षित होता है, अर्थात आपके शरीर के पाचन संस्थान को गड़बड़ कर देगा, भूलने की बीमारी आ जाएगी, नींद नहीं आएगी, पूरी पूरी रात जागते रहेंगे तो आपको आराम नहीं मिलेगा, तो आप और अधिक डिप्रेशन में जाते चले जाएंगे। और जब ये स्थिति लंबे समय तक, यानी एक दो दिन या 5-7 दिन हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो धीरे धीरे सब कंट्रोल हो जाती है। हाँ, WHO के अनुसार अगर यह समस्या 15 दिन तक चलती रहे, यानी 2 वीक, और 2 वीक में भी अधिकतर समय व्यक्ति या तो पड़ा रहे, लेटा रहे, किसी काम में मन न लगे, उदास पड़ा रहे, किसी से बातचीत न करे, तो अगर ऐसी अवस्था है तो वो डिप्रेशन की है। अब डिप्रेशन का कारण समझ में आ गया, लक्षण समझ में आ गया,
अब इसका उपचार क्या होगा? उपचार इसका योग में बहुत अच्छा है। हालांकि शुरू में अगर आप दवाई ले रहे हैं तो दवा अपने आप बंद न करें, लेकिन दवा के साथ अगर आप योग को अपनाते हैं तो विश्वास मानिए आपकी दवाई बहुत जल्दी बंद हो जाएगी और आप पूरी तरह से अवसाद से दूर हट जाएंगे। अवसाद या डिप्रेशन कोई ऐसा रोग नहीं है कि न ठीक हो सके। कारण कुछ भी हो, पारिवारिक हो, कार्यस्थल का हो, या बच्चों को लेकर हो, पति पत्नी के संबंधों पर हो। पहले तो क्या होता था, ज्वाइंट फैमिली होती थी, तो ज्वाइंट फैमिली में हम अपने मन की बात किसी न किसी को बोल के हल्के हो जाते हैं। लेकिन आज क्या है, सिंगल फैमिली है, हम अपने मन की बात किसी को बोल नहीं पाते हैं, तो धीरे धीरे हम मन ही मन में घुटने लगते हैं। और ऐसी स्थिति जब मैंने कहा बनी रहे तो व्यक्ति अवसाद में तो जाएगा, डिप्रेशन भी फील करेगा, और जब मैंने कहा लंबे समय तक चले तो ये स्थिति बहुत भयंकर हो जाती है। कई बार मैंने बोला व्यक्ति आत्महत्या तक करने की सोच लेता है, बल्कि कर भी लेता है। आप कई बार देखें फिल्म स्टार या कोई ऐसे लोग अचानक मालूम पड़ता है उन्होंने आत्महत्या कर ली, क्योंकि उनके ऊपर भी कोई ना कोई प्रेशर होगा। लेकिन जो भी प्रेशर हो, इसके लिए योग आपकी बहुत मदद कर सकता है, बल्कि बहुत जल्दी इससे आपको दूर भी ला सकता है और आप हमेशा के लिए स्वस्थ हो सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें आहार की भूमिका भी है। आहार आपका कैसा है ये आपको देखना होगा। आहार आपका सात्विक है, मतलब ताजे फल, सब्जियाँ, गाय का दूध और सलाद, और जो अनाज भी हो तो वो फिर रिफाइंड फ्लोर नहीं हो, मतलब बाजरा, ज्वार, मोटा अनाज। अगर आप ऐसा लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके शरीर भी मजबूत बनेगा, रोग मुक्त होगा, और जो तनाव का असर शरीर पर नहीं आने पाएगा, और धीरे धीरे आप ठीक हो जाएंगे। आहार की भूमिका बहुत ज़बरदस्त है। जब भी आपको क्रोध आए, आप दो घूंट पानी पिए, शांत बैठे, आप देखेंगे कि आपका क्रोध दूर हो रहा है। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको खुद को प्रयास करना पड़ेगा, आपके फैमिली मेंबर्स को आपके संग जुड़ना पड़ेगा, अपने दोस्तों के संग जुड़िए, किसी न किसी को तो आपको अपना बनाना होगा। बच्चों के संग, फैमिली फ्रेंड्स के साथ अपनी बात को शेयर करने की कोशिश करें। हाँ, वो जिसके संग शेयर कर रहे हैं उस पर आपको पूरा ट्रस्ट हो, जो आपको सही सलाह दे सके, या फिर आप काउंसलर के पास जाए, वो भी आपको सही सलाह देंगे, जिस पर चल के आप ठीक हो जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको केवल कारण, लक्षण यही बता रही हूँ कि आप योग के जरिए ठीक हो सकते हैं। अब मैं आपको एक दूसरा वीडियो बनाऊंगी कि जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि योग में आप क्या करें जिससे कि आप डिप्रेशन, तनाव, एंजाइटी, किसी ऐसी हर समस्या से आप निजात पा जाए। तो मेरा अगला वीडियो भी ज़रूर देखेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप 15 दिन से एक ही अवस्था में बिल्कुल ऐसे डिप्रेस पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब अवसाद है। आप ये जब जान चुके हैं तो इसको दूर करने का उपाय मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बता रही हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।